पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि चीनी बहरान की रिपोर्ट नहल लोगों ने तैयार की, ये तासर गलत है कि हर फैसले में मेरा हाथ होता था। समा टीवी के एंकर नदीम मलिक से खसूसी गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ के फैसले को बैलेंस करने के लिए उन्हें नाअहल किया गया। इमरान खान से उनके मामलात की कहानी एक दिन जरूर सामने आएगी। बहुत ही सेक्रीफाइसेज हैं, मतलब पैनामा में जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया वो सारे फेरिस सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है, तो इसमें कोई इशू नहीं। और भी कई चीजें इस तरह की थी। मैं नहीं आपको लिस्ट देना चाहता कि जी मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस की, ये अच्छी चीज नहीं होती। मैं इसकी वजह चाहता हूँ, आपने कहा कि पनामा के अंदर जो आपको डिसक्वालीफाई किया गया वो आपकी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस थी पार्टी के लिए, आप इसकी वजाहत करें कैसे। देखिए मेरे ये मुझे नवाज शरीफ के फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे किया गया था, इसमें बिल्कुल मेरा बनता नहीं था। एक डिक्लेयर्ड एसेट था मेरा, पैसे मेरे सारे मनी ट्रेल मौजूद थी, और सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने खातों में नहीं लिखा, मैंने अपने बच्चों के खातों में लिखा हुआ था, मुझे उन्होंने सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है। मैं अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह बढ़ चढ़ के इमरान खान के साथ शाना बशाना ना लड़ता तो मैं शायद अब तक डिस्क्वालीफाई ना होता। मेरे खिलाफ उन्होंने पिटीशन नहीं करनी थी। बहुत ही सेक्रीफाइसेज है, मतलब पैनामा में जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया वो सारे फेरिस सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है, तो इसमें कोई इशू नहीं। और भी कई चीजें इस तरह की थी। मैं नहीं आपको लिस्ट देना चाहता कि जी मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस की, ये अच्छी चीज नहीं होती। मैं इसकी वजह चाहता हूँ, आपने कहा कि पनामा के अंदर जो आपको डिसक्वालीफाई किया गया वो आपकी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस थी पार्टी के लिए, आप इसकी वजाहत करें कैसे। देखिए मेरे ये मुझे नवाज शरीफ के फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे किया गया था, इसमें बिल्कुल मेरा बनता नहीं था। एक डिक्लेयर्ड एसेट था मेरा, पैसे मेरे सारे मनी ट्रेल मौजूद थी, और सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने खातों में नहीं लिखा, मैंने अपने बच्चों के खातों में लिखा हुआ था, मुझे उन्होंने सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है। मैं अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह बढ़ चढ़ के इमरान खान के साथ शाना बशाना ना लड़ता तो मैं शायद अब तक डिस्क्वालीफाई ना होता। मेरे खिलाफ उन्होंने पिटीशन नहीं करनी थी। बहुत ही सेक्रीफाइसेज है, मतलब पैनामा में जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया वो सारे फेरिस सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है, तो इसमें कोई इशू नहीं। और भी कई चीजें इस तरह की थी। मैं नहीं आपको लिस्ट देना चाहता कि जी मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस की, ये अच्छी चीज नहीं होती। मैं इसकी वजह चाहता हूँ, आपने कहा कि पनामा के अंदर जो आपको डिसक्वालीफाई किया गया वो आपकी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस थी पार्टी के लिए, आप इसकी वजाहत करें कैसे। देखिए मेरे ये मुझे नवाज शरीफ के फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे किया गया था, इसमें बिल्कुल मेरा बनता नहीं था। एक डिक्लेयर्ड एसेट था मेरा, पैसे मेरे सारे मनी ट्रेल मौजूद थी, और सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने खातों में नहीं लिखा, मैंने अपने बच्चों के खातों में लिखा हुआ था, मुझे उन्होंने सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ देह बात है। मैं अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह बढ़ चढ़ के इमरान खान के साथ शाना बशाना ना लड़ता तो मैं शायद अब तक डिस्क्वालीफाई ना होता। मेरे खिलाफ उन्होंने पिटीशन नहीं करनी थी।